इन सुंदर पहाड़ियों के बीच से निकलकर बहुत सारी लेक्स और पासिस को क्रॉस करते हुए मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ लद्दाख, इन द लैंड ऑफ हाई पासिस। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। लद्दाख, अ ड्रीम ऑफ मैनी। सो लेट्स ड्राइव इन टू द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं एंजिनेशन। तो आज मेरा बहुत पुराना सपना है जो कि पूरा होने वाला है, वो है लद्दाख का ट्रिप। और इसी ट्रिप के साथ मैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग जर्नी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुबह चंडीगढ़ से निकला था, काफ़ी वहाँ बारिश हो रही थी और कुछ बाइक का काम भी करवाना था, तो बहुत लेट हो गया। अभी 2 बज चुके हैं और मैं हिमाचल में एंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं अभी GoPro अपने कैमरे पे लगा रहा था और ये रही फर्स्ट चैनल। यहाँ से हिमाचल से मनाली तक 13-14 टनल बनाई थी, उनमें से ये स्टार्टिंग वाला एरिया जो है यहाँ की टनल सही है, बाकी मंडी से आगे तो पूरा ख़राब हो चुका है। अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, 5 बजे थी, और जल्दी जल्दी मैं बाइक का काम ये वो थे, और बारिश में सारी चीज़ छूट गई। और अभी थोड़ी देर के लिए रुका था, खाना वगैरह खाया, चावल खाने का मन था, तो ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे बटर के साथ, उसमें दही भी था, काफ़ी टेस्टी खाना था। अभी मैं जा रहा हूँ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए ढाबे पे रुका था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, जल्दी भी उठा था, थोड़ा बाइक का काम करवाना था, बारिश भी बहुत थी, जल्दी जल्दी में सब कुछ लेट हो गया। खाना भी अभी खाया, बहुत भूख लगी थी, चावल खाने का मन नहीं था, तो पराठा खा लिया। और अभी मैंने अपने दोस्त से फ़ोन पे बात की, वो मंडी में रहता है, उसने बताया कि सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई, अभी मौसम ऑलमोस्ट क्लियर है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बारिश जब हो रही तो लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और लैंडस्लाइड की वजह से सारा रोड पहले भी इतने टाइम से ब्लॉक था, और अभी थोड़े टाइम पहले ही ये सारा रोड खुला है, 2-3 दिन पहले। तो मैं पहले ही पता करके आया था कि कब तक खुलेगा, क्या क्या इसकी रोड की अपडेट लेकर आ। ये आने वाले 2-3 दिन काफ़ी अच्छी धूप रहेगी, बारिश भी नहीं है इतनी ज़्यादा, और वही लद्दाख की बात, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है डेजर्ट की वजह से। अभी मैं सोचा तो जिसपा का था, पर अभी देखो जैसे जैसे कैसा आगे का रोड रहेगा, उसी तरह मैं प्लान करूँगा कि कहाँ रुकना है, बाकी ट्राई करेंगे कि मनाली क्रॉस हो जाए। अगर ज़्यादा ही रोड खराब हुआ तो मनाली में ही हमें रुकना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग क्योंकि अगले दिन ही हम वहाँ से निकल सकते हैं। वैसे तो मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मैं 2020 में यहाँ आया था, मैं और मेरा दो दोस्त और थे, हम बातें करते करते बातियाँ देखते देखते हम जिसपा तक पहुँच गए। वहाँ इस टाइम इतना टाइम भी नहीं था और स्कूटी पे थोड़ा रिस्की भी आता, क्योंकि एज कम्पेरिजन आज कल से तो इस टाइम रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है रोड में। तो उस टाइम में डाटा तक जाके आएगा, अभी काफ़ी देखते हैं क्या बनता है। कीप सपोर्टिंग मी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे को अंदर से वो आएगा कि
मैं आपके लिए कुछ और नया और अच्छा लेके आऊँ। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरी ग्रोथ के लिए। अभी तक जो भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल रहा था उसको भी काफ़ी अच्छा प्यार मिला मेरे को और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी करा। तो मैं चाहता हूँ ये सपोर्ट आप और से और करें, क्योंकि आपके बिना ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। आप लोगों का प्यार ही आगे हमें लेके जाएगा और कुछ अच्छी से अच्छी और सारी चीज़ें बनाने को मजबूर करेगा मेरे को कि मैं और कुछ अच्छा बनाऊँ, जिससे आप आपका प्यार भी कर पाना है। मैं पंडो से आगे आ गया हूँ, मंडी पंडो से आगे। यहाँ पंडो वाला रोड अभी भी ब्लॉक है, तो ये कोई लिंक रोड है, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ को जा रहा है। तो मैं इसी से जा रहा हूँ, सभी लोग यहीं से आ रहे हैं, आप देख सकते हो राइडर्स वगैरह सारे इसी से आ रहे हैं। काफ़ी ख़तरनाक ऑफ रोड है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं लेह में ही पहुँच गया हूँ। बहुत सारे लैंडस्लाइड, मेरी GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं ये सारा सीन कैप्चर नहीं कर पाया, पर बहुत ही ख़तरनाक काम हो रखा है। बहुत बहुत बड़े पत्थर नीचे को आए। अभी मैं ये लिंक रोड से जा रहा हूँ, ये लिंक रोड आपका कुल्लू निकलेगा यहाँ से, तो कुल्लू के लिए मिलेगा, कुल्लू के बाद नाली। तो इस हिसाब से रोड कंडीशन है, तो मेरे को मनाली में ही स्टे करना पड़ेगा। ये रहा गाइस पिंडो डैम, जो अभी फोन रखा है मैंने, काफ़ी स्लो में पानी निकलता है। ये कोई लिंक रोड है, जो सारे लोग यहीं से जा रहे हैं, तो मैं भी यहीं से जा रहा हूँ। अभी तो देखते हैं, अगर तो ये बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है यहाँ पे तो शायद ये भी ब्लॉक हो जाता ऊपर से। बारिश के बाद मिट्टी में पैर फिट होने का बहुत खतरा रहता है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अभी देख सकते हो आप सिंगल डे है और ट्रैफिक भी है ज़्यादा। अभी शाम के टाइम थोड़ा कम हो जाता, दिन को तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर। पास माइक भी नहीं है मेरे को ना, अभी रास्ते में माइक मिला। अभी देखता हूँ कुल्लू जाके उसका भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना माइक के साउंड क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे मेरे को 5 से 7 मिनट लगे लगभग। अभी आप रोड देख सकते हैं, उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो सारा लैंडस्लाइड की वजह से हुआ। ओह तो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं कुल्लू भी नहीं पहुँचा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना नुकसान यहाँ का हो रखा है।
और पहुँच गए। और ये देखो अभी भी ले 512 किलोमीटर और है यहाँ पे। ये जो पंडोर डैम था उससे एक मोड़ ऊपर आके ये लोकेशन है। तो इस लोकेशन पे पहुँचने के लिए मेरे को कम से कम 35 मिनट लग गए। मतलब लैंड लाइन नहीं होता तो अभी तक कुल्लू पार करके मनाली भी इधर पर फंस गए। आप देख सकते हैं देखो कितना वाटरफॉल और बहुत ज़्यादा जाम हो गया। यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग का भी सामना करना पड़ रहा और टोटली स्टक। रात के बज चुके हैं 7:30 और मैं अभी तक कुल्लू भी नहीं पहुंचा। आप सोच नहीं सकते 3.5 घंटे का ट्रैफिक लगा हुआ है। कम से कम 3.5 किलोमीटर तक ट्रैफिक लगा हुआ और मेरे को तब से अभी तक मैं कुल्लू भी नहीं पहुंच पाया। इस हिसाब से तो लगता है कि कुल्लू में ही रुकना पड़ेगा, इतना ज़्यादा काम ख़राब है कि। जाना कहाँ है गाइस? बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, रोड उससे भी ज़्यादा ख़राब था।